जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल बस या स्कूल वैन से स्कूल भेजते हैं, वो सतर्क हो चाहिए, क्योंकि स्कूल बस का ही ड्राइवर एक शातिर आरोपी निकला है। नागपुर अपराध शाखा ने विभिन्न बैंक के साथ एटीएम फोड़कर 50 लाख लूटने वाले आरोपी जगदीश पापरे को गिरफ्तार किया है। खास बात तो ये है कि यह स्कूल बस निजी ठेकेदार की है। एक स्कूल ड्राइवर के शातिर अपराधी होने का मामला उपराजधानी नागपुर में उजागर हुआ है। नागपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में, साथ ही अन्य राज्यों में एटीएम चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस एटीएम चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में जुटी थी। इसी बीच अपराध शाखा पुलिस को जानकारी मिली कि एटीएम चोरी करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी नागपुर में स्कूल बस का ड्राइवर है। इसी जानकारी के आधार पर अपराध शाखा पुलिस ने आरोपी जगदीश बाबरे को पकड़ने का जाल बिछाया। पुलिस ने मॉर्निंग वॉक के कपड़ों में अपना भेष बदल कर हिरवे लेआउट में सुबह 5 बजे आरोपी को पकड़ने की योजना की, जिसके बाद आरोपी बस के पास आते ही उसे धर दबोचा। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि वो भंडारा जिले के बेला तहसील का रहने वाला है और नागपुर में हसनबाग परिसर में रहता है। साथ ही आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 7 अलग अलग बैंकों के एटीएम को फोड़कर 50 लाख रुपए चोरी करने की बात कबूल की। नागपुर ग्रामीण जिल्हा नागपुर शहर तसेच परिसरामध्ये एटीएम चोरीचे प्रमाण वाढलेले आहे। त्या अनुषंगाने तपास करीत असताना अशाच एटीएमच्या गुन्ह्यामध्ये फरार असलेला जगदीश बाबरे याचा शोध घेण्याचा मी माझ्या टीमला निर्देश दिला। त्याप्रमाणे आमच्या टीमने जगदीश बाबरे याचा शोध घेत असता, जगदीश बाबरे हा नागपूरमध्येच राहत असून जामदार शाळेच्या स्कूल बसवर तो ड्रायव्हर म्हणून काम करत आहे अशी माहिती मिळाल्याने आमच्या टीमने दिनांक 4/1/2020 रोजी सापडा रचून त्यास ताब्यात घेतले आणि त्यास सदर गुन्ह्यांच्या संबंधाने विचारपूस केली असता त्याने नागपूर ग्रामीण, नागपूर शहर तसेच परिसरातील 5 एटीएम फोडीच्या गुन्ह्यांची कबुली दिली असून शेजारच्या मध्य प्रदेश राज्यातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील 2 गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी नागपुर के जामदा स्कूल बस का ड्राइवर है, ऐसा सामने आया है। इस मामले में हमने जामदा स्कूल के मुख्याध्यापक वी निमगांवकर से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल बस हमारी है ही नहीं, ये बस निजी ठेकेदार की है। हमने मुख्याध्यापक से ये भी पूछा कि स्कूल बस आपकी नहीं है तो बस पर स्कूल का नाम कैसे लिखा है। इस पर उन्होंने कहा कि बस मालिक येलवट करने बगैर कॉन्ट्रैक्ट के हमारे स्कूल का नाम अपनी बस पर लिखा है। हमने बस पर लिखा स्कूल का नाम हटाने का नोटिस भी बस मालिक को दिया है, उन्होंने नाम नहीं हटाया तो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस बस से अन्य स्कूल के बच्चे को भी स्कूल ड्रॉप किया जाता है। ही बाब मला काल कळलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये लक्षण तुम्हाला एक बाब मी सांगू इच्छितो की शाळा आणि संस्था यांच्यातर्फे कुठल्याही बसेस स्कूल बसेस चालवल्या जात नाही, नंबर एक। आणि ज्या पालकांना ज्या बसेस कन्व्हिनियंट आहेत त्या बसमधनं ते त्या मुलांना पाठवत असतात। वास्तविक पाहता हे बस मालकाचं कर्तव्य आहे की तो जो आपला स्टाफ स्कूल बसेसवर जो ठेवतो आहे, चालक म्हणा किंवा वाहक म्हणा, तर यांचं पोलीस व्हेरिफिकेशन करून त्या लोकांना ठेवणं हे बंधनकारक आहे। पण त्यांनी ते पोलीस व्हेरिफिकेशन केलं की नाही हे अद्याप मला माहीत झालेलं नाही आहे। पण काल ज्या वेळेला मी माहिती घेतली त्या बस मालकांकडनं तर त्यांनी अशा प्रकारचं कुठलंही पोलीस व्हेरिफिकेशन केलेलं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं। त्या बसमधनं आमच्या शाळेचे नाही तर अनेक शाळांचे विद्यार्थी त्या बसनी येणं जाणं करतात, त्यामुळे निव्वळ आमच्या शाळेमधला तो म्हणजे मुलांची नेआण करत होता हा बरोबर नाही आहे आरोप। पण इव्हन देन की मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर आहे। मी काल बस मालकांना बोलावणं पाठवलेलं आहे, आमचा कुठलाही करार नसताना तो बस मालक आमच्या शाळेचं नाव त्या बसवर लिहून बसेस चालवत होता, याबद्दल त्यांना लेखी पत्र याच्या अगोदर बरेच वेळा देण्यात आलेली आहे। पण आज मी त्यांना एक शेवटचा त्यांना अल्टिमेटम दिलेला आहे, त्यांनी जर नाव काढले नाही तर आय एम गोइंग टू लॉन्च अ कंप्लेंट इन पोलीस स्टेशन। इस मामले में हमने बस मालिक येलवटकर से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
क्योंकि बस मालिक की ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी बस पर चालक और वाहक की नियुक्ति करने से पहले उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी बस मालिक और ठेकेदारों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी चालक और वाहक की नियुक्ति करने से पहले उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड जांच लेना चाहिए। इसके बाद ही उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को आपकी जिम्मेदारी पर ही बस या वैन से स्कूल में भेजते हैं। इस घटना के बाद से अभिभावक भी अपने बच्चों के बारे में चिंतित है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ एकता गहरवा की रिपोर्ट।